अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स एपिसोड 4। हमारे कमेंट्स में एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेडिंग करने के लिए क्या मिनिमम अमाउंट है। तो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि आपको अपने बजट के हिसाब से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्लियर कर लें कि कोई मिनिमम अमाउंट ट्रेडिंग करने के लिए एज सच है नहीं। आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 5000 रुपये डिपॉजिट करना होगा। उसके ऊपर आप जो भी डालना चाहें वो आपकी मर्जी है। सबकी अपनी सैलरी, बजट और डिस्पोजेबल इनकम होती है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको पैसे मैनेज करने के लिए टिप्स देंगे ताकि आप अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक रकम सेट कर सकें। एक बेसिक रूल जो हर कोई फॉलो कर सकता है वो है 50-20-30 रूल। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी इनकम आती है उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है ज़रूरियात। ये आपकी इनकम का 50% बनती है। इसमें आपकी रेंट, यूटिलिटी बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों के स्कूल की फीस और खर्चे शामिल होते हैं। इन ज़रूरी खर्चों को ख़त्म करने के बाद ही आप दूसरे एरियाज पे अपने फंड्स एलोकेट कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। ये आपकी इनकम का 20% होना चाहिए। ये हिस्सा आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इमरजेंसी फंड्स क्रिएट कर सकते हैं। आखिरी कैटेगरी होती है ऑप्शनल एक्सपेंसेस। ये आपकी इनकम का 30% होते हैं। इसमें आप अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस और पर्सनल एक्सपेंसेस काउंट करते हैं। ये इंक्लूड करता है डाइनिंग आउट, वेकेशंस और इस तरह के दूसरे खर्चे। अब आप अपने हिसाब से इस 50-20-30 रूल को एडजस्ट कर सकते हैं। बेशक अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को कम रखें और अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा रखें, ये आपके ऊपर है। तो फर्ज करें अगर आप महीने में 60,000 रुपीज़ कमाते हैं तो आप 30,000 जो हैं वो अपने ज़रूरी खर्चों के लिए रखेंगे, 18,000 जो है वो आप अपने पर्सनली रखेंगे और 12,000 जो है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखेंगे। जहाँ आपको इन्वेस्ट करना है ये आपके ऊपर और आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। आप अपने ब्रोकर से भी ये एडवाइस मांग सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सीखना है तो आप हमारे इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स एपिसोड 2 देख सकते हैं। ये हमारी रिकमेंडेशंस थी। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। केटेड आपको एक्सपर्ट ट्रेडिंग एडवाइस, रेगुलर रिपोर्ट्स, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय और बहुत और इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।